नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक रियल जानकारी चैनल के एक नए और प्रेस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लॉगर के नए इंटरफेस में जो है एक्सटर्नल थीम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो है ब्लॉगर के जो फ्री टेम्पलेट्स होते हैं उन्हें आप किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर जो है कंप्यूटर में जो है आपको ब्लॉगर जो है ब्लॉगर का वेबसाइट ओपन कर लेना है, blogger.com, और उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको जो है थीम चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके सामने ब्लॉगर की जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो बहुत सारी थीम होती है जिन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी भी थीम को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर थीम पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें ये यूज़ करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर अप्लाई कर देंगे तो आपके जो है ब्लॉग में ये थीम अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है बाहर से कोई भी थीम इसमें जो है अपलोड करनी है, तो मैं यहाँ पर आपको पहले जो है ये थीम दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम थीम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं ब्लॉग को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये सिंपल सा थीम हमारे सामने आ चुका है। अब हम जो है इसमें एक दूसरा थीम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम थीम अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो के निशान पर। उसके बाद यहाँ पर जो है रीस्टोर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जहाँ पर भी आपने थीम को रखा है वहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर इस थीम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा थीम सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको थीम XML फॉर्मेट या फिर जो है TXT फॉर्मेट में ही जो है सेट करनी है, क्योंकि हम इंटरनेट से जो भी थीम डाउनलोड करते हैं वो जिप फाइल होती है, तो उसे सबसे पहले आप जो है अनजिप कीजिएगा और उसके बाद उसे अपलोड करिएगा, तो जो है थीम आपका जो है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब इस ब्लॉग को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है थीम सक्सेसफुली यहाँ पर जो है अपलोड हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप ब्लॉगर ब्लॉग में जो है नया थीम आसानी से अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।